नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके कुकिंग चैनल बनाओ और खिलाओ में। दोस्तों आज की रेसिपी है महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। बहुत ही स्पाइसी, तीखी और चटपटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भिगोए हुए मठ हैं और इसे मैंने 8 घंटे भिगो के और रात भर कपड़े में बांध के छोड़ दिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंग भी ले सकते हैं। तो मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैं ऑयल ले लूँगा। 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल ले लिए हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। ये दालचीनी 1 से 1.5 इंच, 2 बड़ी इलायची, 2 चक्रफूल है, 3 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 तेज पत्ता। ये हम गर्म तेल में डाल देंगे और जब हमारे खड़े मसाले अच्छे से चटकने लगें तब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये 2 से 3 चॉप किए हुए प्याज हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब प्याज ब्राउन होने लगे तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1.5 चम्मच और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए प्याज हमारा हो चुका है, इसे बहुत ब्राउन भी नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे चॉप किए हुए जो 3 है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे मिलाएंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच, और 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। देगी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने 1 चम्मच ले लिया। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना, और जब तक पकाएंगे तब तक कि मसाले जो हैं तेल ना छोड़ दें। तो ये देखिए मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मठ सारे डाल देंगे हम इसमें और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से इसमें। अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि इस रेसिपी में पाव के साथ खाया जाता है मिसल पाव, तो इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मसाले के अकॉर्डिंग आपको ग्रेवी बनानी है। तो मैंने लगभग 1 लीटर पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए और अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ढक के आपको 5 से 7 मिनट तक पकाना है बस। इसमें आपको प्रेशर कुकर में सीटी नहीं लगानी है, बस 5 से 7 मिनट ढक के पकाना है। और अब ये देखिए ये तैयार हो चुकी है लगभग। मैं एक बार इसे टेस्ट करके देख लेता हूँ कि जो हमारे मठ हैं वो पके हैं कि नहीं। जी हाँ, ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब हम बस गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर खिल के आया है। और अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग अभी बाकी है तो आप वीडियो थोड़ा पूरा देखिएगा। तो अब हम सबसे पहले जो होटल स्टाइल में जो प्लेट रहती है वो मैंने ले ली है। इसके ऊपर मैं मिक्सर डाल दूंगा पहले, अच्छी तरह से मिक्सर डाल देंगे पहले। इसके ऊपर सबसे बारीक वाली सेव और सबसे मोटी वाली सेव डाल देंगे। अब इस पे हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, नींबू भी निचोड़ते हैं इस पे। मैं आपको सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जान सकें। ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया छिड़क देंगे और बस पाव का एक टुकड़ा लेंगे और ग्रेवी में आपको अच्छी तरह से डुबोना है और बस खा लेना है। ये बहुत स्पाइसी, तीखी और चटपटी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी के साथ।